हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में आज जिपमेर की वैकेंसी, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में डाला था वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, न्यूज़पेपर की कटिंग थी। तो आज सारी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, कब से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया चाहिए और लास्ट डेट कब रहेगी, क्या फीस रहेगी। सारी डिटेल ए टू जेड इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी से कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वैकेंसी है फ्रेंड्स जिपमेर पांडुचेरी की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात हम करेंगे इस वीडियो में, आप बने रहे हमारे साथ। तो बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आज ही जारी हुआ है जिपमेर की ऑनलाइन वेबसाइट पर, तो जिस जहां से हमने डाउनलोड करके आपके सामने रखा है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको पहले बता देते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर्म वो नवंबर 2019 से 11 बजे से आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन जो फीस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोज कब होंगे, तो वो 20 जनवरी 2019 को। तो काफी एक मंथ दे रखा है, आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। डाउनलोड हॉल टिकट है वो 3 फरवरी 2020 को होंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की है, इसकी एग्जामिनेशन की डेट है वो फ्रेंड्स 23 फरवरी 2020 को रखा गया है। तो आप ये रही अपनी एग्जाम से रिलेटेड डिटेल। अब बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्जाम की वैकेंसी। टोटल 85 पोस्टेज हैं, इसमें जनरल की पोस्ट की बात की जाए 43, ईएसडब्ल्यू की पोस्ट की बात की जाए 9 पोस्ट है, ओबीसी की 12, एससी की 7, एसटी की 14। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 85 पोस्ट रहेगी। अब बात करेंगे इसमें अपन एलिजिबल क्राइटेरिया, मेन चीज यही है। काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब फाइनली इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया आपका आ चुका है। एसएससीएल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें मांगा है, तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर डिग्री और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट फॉर्म और रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, इसमें किसी भी प्रकार का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। यदि आपने बीएससी नर्सिंग फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हो, जीएनएम किया है फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात की जाए तो 44,900 रुपए से लेवल जो 7 पे कमीशन है 10 जगह मिलता है वही मिलेगा आपको। तो फिर अब बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट अप टू 35 ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और भी पोस्ट है, उनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप कैसे अप्लाई करना ऑनलाइन और उसके लिए फीस कितनी क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैटेगरी जनरल के लिए फ्रेंड्स 1500 रुपए है जो फीस लगेगी, ओबीसी के लिए 1500 रुपए और एससी एसटी के लिए 1200 रुपए इसमें फीस लगेगी। तो लास्ट डेट आपको बता दी है 20 जनवरी है, स्टार्टिंग डेट 18 दिसंबर है। तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, फ्रेशर है फिर भी अप्लाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।